दिन से धरना चला, तो अभी आपकी वार्ता थी, किस तरीके की वार्ता और क्या निष्कर्ष निकला इस वार्ता को लेकर? देखिए, हमारा चार दिन से जो गतिरोध था, बार बार प्रशासन से वार्ता चल रही थी। माननीय विधायक बाड़मेर चौटन, पूर्व विधायक चौटन और प्रमुख साहब सहित सारे लोग जो हमारे जनप्रतिनिधि और प्रशासन का इस परिवार के प्रति संवेदनाएँ थी, वो हर मुद्दे पर हमारी सकारात्मक चर्चा हुई और अंततः हम उसमें कामयाब हो गए, उस परिवार को न्याय देने में। रही बात आर्थिक सहायता की, जो हमारी सम्मानजनक मांग थी वो पूरी हो गई। उसके बारे में मैं अमाउंट वगैरह की कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारी सम्मानजनक मांग पूरी हो गई है और उसको जहां तक नौकरी का प्रश्न है वो भी संविदा पर हमारी नौकरी का प्रश्न बना, वो जो दे देंगे उसको कर देंगे और बाकी जो ऑर्डर आ जाएंगे SHO को निलंबित किया है और उसको FPO करने पर सहमति बनी है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और जो भी हमने दिया है उस संबंध में माननीय विधायक पद्माराम जी बात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा अभी समझौता हो गया है और हम उसका अंतिम संस्कार करने के लिए अभी जा रहे हैं। सर, तो आप लोगों की मांग थी जो पुराने FIR दिए थे, FIR के मामले रीओपन आज ही कर रहे हैं, तो कितने संतुष्ट हैं आप लोग इस? अब देखिए, जो मैंने बात की है, जो हमारी मांग थी वो करीब करीब 100% पूरी हो चुकी है। थैंक यू। ठीक है, वार्ता हुई प्रशासन से, सहमति बन गई है प्रशासन से, जो भी इनकी डिमांड थी सभी डिमांड पे सहमति हो गई है और ये एग्री हो गई, अब दाह संस्कार के लिए रवाना हो गए। सर, क्या मांग थी आप लोगों की? और जो भी मांगे इनकी थी वो सब पूरी कर दी। तो उनको जो APO करने की बात है, वो प्रशासन का काम है, मेरा नहीं है। कितनी आर्थिक मुआवजा उनकी मांग की? सर, वो जो भी इन्होंने मांगा और प्रशासन ने एग्री कर दिया वो मैंने सुना नहीं है, पर हो गया जो भी हुआ। पद्माराम, ये बात भी सामने आई कि अगर आज सहमति नहीं बनती है तो पद्माराम मेघवाल इस्तीफा भी दे सकते, इसमें कितनी सच्चाई? वो बात की बात अभी नहीं है, सहमति होने के बाद। क्या प्रशासन से वार्ता हुई, क्या हुआ है? प्रशासन से दोनों पक्षों से वार्ता हुई, आपस में समझौता हो गया और आप देख रहे हैं दोनों पक्ष जो प्रशासन से बिल्कुल इनकी जो वाजिब बातें थी बात हो गई और फाइनल के लिए सब जा रहे हैं। बिल्कुल शांति है, सब है, ठीक है, न्याय मिले उनको, यही सबका सबकी भावना थी। मैडम जी, कहाँ गतिरोध अटका हुआ था, किस बात पर अटकी हुई बात थी और आखिर उस बात पर सहमति बनी? अब गतिरोध आपस में चर्चा है, इनकी माँ जो कुछ बातें थी उस पर कोई आपस में असमझ स्थिति थी, उसको बैठ के खुल के चर्चा हो गई, उस पर दोनों ही पक्ष, इसमें पीड़ित पक्ष भी सहमत हो गया कि ठीक है, तो सहमति बन गई। और ठीक है।